15 दिसंबर से पूरे देश में वन नेशन वन फास्टैग लागू हो गया है। इसके तहत अब वाहनों पर फास्टैग यानी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम है, जिसे लगाना अनिवार्य हो गया है। 15 दिसंबर से सभी टोल कैश फ्री हो गए हैं, इसलिए बिना फास्टैग वाली गाड़ियों के लिए टोल से गुजरना नामुमकिन होने लगा है। हालांकि अभी कुछ दिनों तक कैश से पेमेंट करने के लिए एक अलग से लाइन फर्स्ट चेक पर हटाकर बनाई गई है और वाहन चालकों को राहत भी दी गई है। महासमुंद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 53 पर छुईपाली टोल प्लाजा और ढाक टोल प्लाजा में फर्स्ट नियमों के बैनर पोस्टर लगाकर वाहन चालकों को समझाया जा रहा है और इसलिए टोल प्लाजा में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। गौरतलब है कि फास्टैग की व्यवस्था लागू होने के बाद टोल बैरियर में फास्टैग नहीं मिलने से वाहन चालक काफी परेशान है। ऐसे हालातों में वाहन चालकों को शुल्क देकर ही टोल बैरियर से गुजरना पड़ रहा है, जिससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के व्यवस्था में स्पष्ट तौर पर कमी झलक रही है। जब इस मामले को लेकर वाहन चालकों से बात की गई तो तब उनका कहना था कि पिछले दो दिनों से फास्टैग के लिए टोल बैरियर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें फास्टैग नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर टोल बैरियर के प्रभारी का कहना है कि आगामी एक दो दिनों में फास्टैग की व्यवस्था कर ली जाएगी और वाहन चालकों और मालिकों को फास्टैग उपलब्ध करा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से संवाददाता प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।